रावण और कंस का साम्राज्य झमिया। यहाँ कोई कोई इसलिए अपने राम को नहीं पैदा किया है जो तुझे आज नागेश्वर से बचा ले। तुम्हारा नाम क्या है? नाम जानना चाहता है? हाँ। तो कान खोल करके सुन ले, परदेव के मालिक श्री राम अवतार का भाई मैं नागेश्वर, तू कौन है? ओ, तू मेरा नाम जानना चाहता है ना? जिस समय तू मेरा नाम सुनेगा हो सकता है तेरा पैर जैसा पृथ्वी खसक जाए। अरे कौन है तेरा? रुष्ट में हिंद नाम है तेरा जो नागेश्वर के पैरों से पृथ्वी खसक जाएगी। तूने इस इलाके में इस पर अजय के नाम सुना है? सुना है। मैं उसी का छोटा भाई राजा हूं। याद आया कर शंकरवा, ये वही अजय इंस्पेक्टर का भाई है ना, जब विधानसभा कुर्सी पे जो हमारा भैया बैठता है, इसका भाई हमारे भाई के आदेश के बगैर ड्यूटी नहीं करता, कुत्ता। अगर मेरे भाई के बारे में एक भी गंदी फन गाना अपनी मौत का दावत देता है राजेश, जा यहाँ से चला जा। और मैं कहता हूँ तू यहाँ से चला जा। मैं कहता हूँ तू यहाँ से चला जा, वरना मुझसे बुरा चले रहे कोई हिंदुस्तान में नहीं होगा। और मैं कहता हूँ यहाँ तू चला जाओ, वरना तेरे हक में ठीक नहीं होगा। अंग्रेजी की बात छोड़, परमुआ हिंदी में आ, हिंदी में। ये कल का लौंडा नागेश्वर से नहीं परिचित है। ला हमरा हंटल, हम देखते तपरा काले से कैसे नहीं जाएगा। राजेश, दुश्मनी के कदम बढ़ाने से पहले सोच लो कि इसका अंजाम क्या होगा। ये अंजाम के बारे में राजेश कभी नहीं सोचता। ए राजेश, पत्थर से जब पत्थर टकराता है तो चिंगारियां निकलती हैं, और उन चिंगारियों से भयानक आग पैदा होती है, आग। और इस आग को लेकर के राजेश अपने सीने में हाथ घूमता है। बहुत डायलॉग बोलता है साला। तो तू इस नागिन को बचाने के लिए आया है? हाँ। लेकिन तुझे नहीं मालूम इस नागिन को न जाने वाला हिंदुस्तान में केवल एक सफेदा पैदा है, एक। वो भी कान खोल करके सुन लो, परदेश के मालिक श्री राम अवतार का भाई खुद में नागेश्वर। मैं वो आदमी हूँ कि नाग को मार देता हूँ, सांस का बिल को फाड़ देता हूँ। Thank you.
लेकिन नागे तो वो फौलाद है कि पत्थर को चकना चूर कर देता है। जीवन में तूने मुझे आज पहली बार मारा है। अपने भाई की कसम खाता हूँ, तुझे उस जगह मारेंगे कि तेरे खानदान का कोई नहीं होगा। अरे राजेश को मारने वाले मर गए। जा रहा हूँ। जाओ। लेकिन एक चुनौती हमारी याद रखना, सुमन को बचा करके तूने दुश्मनी यानी कि मुझसे बगावत ली है। इस दुश्मनी का अंत या तो तेरी मौत या तो नागेश्वर की, क्योंकि मैं वो नाग हूं कि आदमी को काटता नहीं बल्कि निगल जाता हूं। देवी जी। जी बाबू जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहते हैं? तुम दोनों हम कौन है? तुम कौन हो? छोटे बाबू की असली। अरे असली कौन हो? असली हमको नहीं जानते हो? अरे मैं कह रहा हूँ, हमारा नाम सुनकर तुम्हारी छत्ती निकल जाएगी। अरे आखिर कौन था उस बहन का नाम है? छोटे बाबू की असली। असली? अरे असली क्या हो? असली अपना नाम तो बताओगे? छोटे बाबू की असली। अरे असली क्या हो? एक से एक छक्का खानदान के आ जाते हैं। लेकिन देवी जी, तो रहने वाले किस व्यास की क्या है तुम्हारा नाम? और आई कैसे और महे जबी कहा मेरा नाम और पता जानना चाहते हैं ना, तो आपको जरूर बतलाऊंगी। सुनो मेरी बात, मोहन की बहू सुमन है मेरा नाम, शांति नगर की, शांति नगर की रहने वाली वही हाँ। Hey, 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 hey.
जो कि आप और मैं एक ही गांव को निकले। क्यों नहीं बाबू जी, ठीक है आपकी इज्जत बच गई है, अब आप अपने घर जाओ और मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। ठहरो, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है? मैं सोच रही हूँ कहीं आप मेरी बातें सुन के नाराज ना हो जाए। अरे नाराज क्या बात है।